गाइज यदि आप कोई गेमिंग चैनल चलाते हैं या फिर आप कोई गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने गेमिंग चैनल के लिए आपको एक प्रोफेशनल से गेमिंग लोगों की ज़रूरत है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लोगोज बनाने का सिंपल तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मेरा नाम है राहुल रिजोनिया, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अपने गेमिंग चैनल के लिए एक प्रोफेशनल सा लोगो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको उसके सर्च बार में सर्च करना है प्लेस इट दोस्तों हाँ आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि हमको आगे करना क्या है, इसकी एडिटिंग हमको किस तरह से करनी है। दोस्तों इसकी एडिटिंग करने के लिए आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि हम यहाँ पर तो आप देखेंगे हमारा लोगो बनकर तैयार हो जाता है, तो लोगो कंप्लीट हो जाता है और लोगो कंप्लीट होने के बाद ये सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेव टू योर फोटो गैलरी इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, इसका मतलब हमारा फोटो जो है गैलरी में सेव हो चुका है, तो हमारा लोगो हो चुका।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।